हेलो दोस्तों, आप सबको सुई धागा विद भवानी में स्वागत है। मैं हूँ भवानी। चलो आज कुछ नया सीखते हैं। मैंने धागे को 7 लेयर्स बना के गांठ भी डाल के रखा है। अभी कपड़े के पीछे रख के सुई को पीछे डाल के धागे को बाहर लेके आके एक नॉट कर दिया। अभी ये दूसरा नॉट है और अभी मैं 5 चेन बना रही हूँ। अभी ये पाँचवा है। कहाँ पर आता है वहाँ पर देख के एक सिंगल क्रोशेट या एक नॉट बना रही हूँ और उसके बाद में भी 5 चैन डाल रही हूँ। ऐसे ही कंटिन्यू करते करते जाना है। वापस 5 चैन लॉक। ये पूरा कंप्लीट होने के बाद लास्ट में डबल लॉक करके फिनिश करूँगी। यहाँ पे डबल लॉक कर दिया है। 2 चैन डाल के धागे को कट करके थोड़ा सा खींच के ग्लू लगा दिया है मैंने यहाँ पे। अभी सेकेंड स्टेप कर रही हूँ। हाथों में धागे लेके नॉट को पीछे रख के पहले स्टार्टिंग कहाँ पे लॉक स्टार्ट किया था ना वहीं पे लॉक स्टार्ट करके एक चैन डाल के अभी दूसरा चैन डाल दिया मैंने। 5 चैन में 3 लॉक करके अभी थोड़ा स्लो मोशन में दिखा रही हूँ। अभी ये तीसरा लॉक है होने के बाद अभी देखिए एक बार सुई के ऊपर धागे को ले लिया मैंने। नेक्स्ट 5 चैन है ना वहाँ पे धागे को 2 में एक बार लेना है, 2 में एक बार लेना है। फर्स्ट 5 चैन के लॉक में 3 लॉक करना है या सिंगल क्रोशेट डालना है। सेकेंड 5 चैन के ब्लॉक में डबल क्रोशेट कितना आता है उतना डालते डालते जाना है। ओके, अभी थोड़ा स्पीड दिखा रही हूँ। 2 में एक बार धागे को लेना है, 2 में एक बार धागे को लेना है। सुई के ऊपर धागे को लेने के बाद 3 धागा आता है वहाँ पे, वो 2 में एक बार करना है, 2 में एक बार करना है। ओके, देखिए अभी 3 धागा आ गया। अभी 2 में एक बार, 2 में एक बार कर दिया मैंने। वापस 2 में एक बार धागे को लेना है, 2 में एक बार धागे को लेना है। ईजी है बहुत, एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा आएगा। इस 5 चैन के ब्लॉक में मैंने डबल क्रोशेट को 16 बार डाला है। ओके, कितना आता है उतना ही डालना है, लेकिन हर डबल 5 चैन के लॉक में 16 16 ही आना चाहिए। वैसे करते करते जाना पड़ेगा आपको। ओके, अभी सुई के ऊपर धागे को लेके धागे को बाहर लेके आई, 2 में एक बार, 2 में एक बार धागे को ले लिया है मैंने। अभी लास्ट वन है, 2 में एक बार धागे को ले लिया, 2 में एक बार धागे को ले। नेक्स्ट 5 चैन के ब्लॉक पे यहाँ पे सिर्फ 2 लॉक करना है। अभी आर्च बन गया है, देखिए आर्च कितना क्यूट हुआ है। वापस सुई के ऊपर धागे को लेके नेक्स्ट 5 चैन के ब्लॉक में धागे को डबल क्रोशेट बनाते बनाते जाना है। मेरा सेकेंड 5 चैन के ब्लॉक में 16 डबल क्रोशेट आया था और वापस नेक्स्ट ब्लॉक में 16 ही आया है। ओके, ऐसे पूरा साड़ी में करते करते जाना है या प्रैक्टिस के कपड़े में भी करना है। यहाँ पे 2 लॉक करके 2 चैन डाल के 1 2 चैन डाल के लॉक कर दिया मैंने, एक लॉक कर दिया है मैंने। अभी 2 चैन डाल के धागे को कट करके थोड़ा सिक्योर करके यहाँ पे ग्लू लगा दिया है मैंने। अभी लास्ट में यहाँ पे मैं कुच्चू नहीं डाल रही हूँ, उसके बदले में मैं बीट डाल के टजल्स बना रही हूँ। पीको है ना, उसके ऊपर ही मैंने कॉटन थ्रेड को ले लिया है मैंने। यहाँ पे छोटा बीट लिया है, यहाँ पे हार्ड शेप का बीट लिया है, वापस छोटा बीट लेने के बाद अभी नीचे का बीट को छोड़ के धागे को ऊपर खींचना है। खींचने के बाद नीचे का बीट सिक्योर हो जाएगा। अभी कपड़े को ऐसे पीछे करना है, करने के बाद ऊपर का बीट है ना उसके अंदर से धागे को बाहर लेके आना है। पीछे पीको है ना उसके ऊपर नॉट बना, 2-3 नॉट बनाएंगे। ओके,
यहाँ पे ये सिक्योर हो गया है। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल में कोई पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहाँ पे बीट डाला है, हार्ट बीट, बीट और बस नीचे का बीट छोड़ के ऊपर ले लेना है धागे को। कपड़े को पीछे करके ऊपर के बीट से धागे को ऊपर लेके आना है। यहाँ पीको के ऊपर धागे को सिक्योर कर लेना है। ओके, ऐसे नेक्स्ट टू ब्लॉक है ना, वहाँ पे भी कर दिया है मैंने। आई होप आपको पसंद आया होगा। इन चार प्लेलिस्ट में से एक प्ले करके देखिए, वहाँ पे भी आपको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थैंक यू, सी यू सून, बाय।